दावा डिजिटल इंडिया का, पर हकीकत दावों से कोसों दूर है। हाल में केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी में पहले डिजिटल गांव का उद्घाटन किया है। दावे में कहा गया है कि अमेठी का पिंडरा ठाकुर गांव 100% डिजिटल हो गया है और वहां के लोग अब सरकार द्वारा चलाए जाने वाले 206 से ज्यादा स्कीम्स का फायदा ऑनलाइन उठा सकते हैं। लेकिन जब हमारी टीम पिंडरा ठाकुर गांव पहुंची तो मंजर कुछ अलग ही था। यहां लोगों का कहना है कि गांव डिजिटल तो हो गया, लेकिन यहां बिजली महज 10 घंटे रहती है। इतना ही नहीं, कभी कभी तो 2 से 3 दिन तक बिजली नदारद रहती है। इस गांव को पहला डिजिटल गांव बनाने के पीछे भी एक मकसद था। अमेठी राहुल गांधी का चुनाव क्षेत्र है और 2014 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के खिलाफ यहां चुनाव लड़ा था। भले स्मृति ईरानी को यहां से हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन भविष्य को देखते हुए स्मृति ईरानी अमेठी में काफी वक्त गुजारती हैं, ताकि आने वाले समय में राहुल के इस गढ़ पर उनका कब्जा हो। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार डिजिटल गांव बाद में बनाए, पहले बिजली की सुविधा तो दे, क्योंकि बिना बिजली के डिजिटल क्रांति का कोई मतलब नहीं निकलता। स्मृति ईरानी ने अपने भाषण में लोगों को वादा किया है कि 15 सितंबर तक अमेठी की पंचायत से लेकर बाकी सभी स्कीमों का फायदा लोग ऑनलाइन उठा सकते हैं। लेकिन बिना बिजली के ये कैसे संभव है, ये तो मंत्री महोदया ही जाने। डिजिटल क्रांति भले ही नरेंद्र मोदी का सपना है और उसे पूरा करने के लिए बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि आखिर कब तक आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। जहां एक तरफ सत्ता पर काबिज लोग पिछले सरकारों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं विपक्षी पार्टी के नेता मौजूदा सरकार को विफल मान रहे हैं। ऐसी स्थिति में कैसे बनेगा डिजिटल इंडिया और कैसे प्रधानमंत्री का सपना पूरा होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल डिजिटल इंडिया और बिजली राजनीति की बलि चढ़ती दिख रही है।